हेलो बच्चों, द फॉलोइंग क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ कॉन्केव लेंस लेंस के फोकस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया वेयर विल इट्स इमेज बी फॉर्म तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा हमें ये बताना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कांसेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या की कांसेप्ट हम यूज करें तो हम क्या करेंगे लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस के इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल होता है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u के तो यहाँ पे f जो है वो डिनोट करता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को फोकल लेंथ ऑफ लेंस v जो है वो डिनोट करता है इमेज डिस्टेंस को v हियर डिनोट्स इमेज डिस्टेंस यू हीयर डिनोट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, Concave lens दिया गया है इस तरीके से, तो ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया कॉन्केव लेंस जो है वो ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे ये क्या हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस सी हो गया तो सपोज यहाँ पे एफ फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे हमने क्या प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया तो F फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं तो उसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर वो किसके इक्वल 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 होगा 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 फोकल लेंथ F F के के तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो किसके क्योंकि रेज ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होंगी और हम जो डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो फ्रॉम द फॉर्मूला वी कैन राइट वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन एफ विच मीन्स वन अपॉन वी जो है वो इक्वल होगा वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन एफ के सो वन अपॉन वी इज इक्वल टू जीरो विच मींस

so this is final answer for the given question i hope you understood it well thanks